देश दीयां जेलां विच बंदी औरतां नूं उन्हां दे भविख निर्माण ते किता मुखी सिखलाई देण लई विक्की वूमेन इंडिया चैंबर वल्लों कौमी पद्धर ते उपराले कीते जा रहे हन। इसे कड़ी तहत हुण संस्था दी सूबा प्रधान भवदीप कोहली वल्लों अपनी टीम नाल पंजाब दीयां जेलां विच बंदी औरतां नूं किता मुखी सिखलाई दे के उन्हां नूं रुजगार मुहैया करवाउण ते जराइम पेशे तो तौबा करवाउण दा तहैया कीता गया है तां जो जेल चो रिहा होण मगरों ये औरतां अपना जीवन सुचजे ढंग नाल बतीत कर सकण। रेगुलेशंस बना सकते हैं ताकि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सके या कुछ भी रिफॉर्म्स लेके आ सके। सो असी जिहड़े हैगे आ विकी जेल रिफॉर्म्स दी कौंसिल बनी है और जेल भी हो सकदा है उन्हां लई कोई इंप्लॉयमेंट दा आपां सोर्स जनरेट करना है ताकि जदों बाहर आन ओह रीहैबिलिटेट हो सकण, इक बेटर लिविंग ले सकण। सो वी नीड, तो ये जिहड़ा साडी यही कोशिश होएगी कि असी एज वुमेन, बिकॉज़ एक वुमेन से दूसरी वुमेन दी सपोर्ट करती है तो काफी अच्छा इनक्रेडिबल थिंग्स होती है। और एडवोकेट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं, इवन की बहुत बड़े एनजीओ से रिलेटेड पर्संस भी हैं जो बहुत टाइम से एनजीओस में काम कर रहे हैं। वुमेन इंडियन चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सो एक ये ऐसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जिसमें कि हमें जो हम जेल रिफॉर्म काउंसिल के हम मेंबर्स हैं और मैं इसकी जो है स्टेट प्रेसिडेंट हूँ पंजाब की। सो हमने इसमें जो हमारा मेन मोटिव है वो जो जेल के विमेन इनमेट्स हैं जो कि हमारी पंजाब की जेल्स में जो इनमेट्स हैं उनके लिए रिफॉर्म, उनके लिए चेंज, ताकि जब वो बाहर आ सके, ताकि वो रिहैबिलिटेट हो सके, वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, ये हमारा प्रयास रहेगा विकी का। और ये हमारी जो काउंसिल बनी है 20 मेंबर की काउंसिल बनी है ऑल ओवर पंजाब, जलंधर से, पटियाला से, लुधियाना से, मोगा से, पठानकोट से, अलग अलग शहरों से, बठिंडा से हमने जो काउंसिल मेंबर्स हैं वो बनाए हैं। और ये काउंसिल मेंबर हम पूरी जो टीम है जेल की जो रिफॉर्म है उनके लिए काम करेंगे, जो कि विमेन इनमेट्स हैं जो जेल्स में हैं उनके रिफॉर्म के लिए उनको कोई ना कोई स्किल जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जब वो बाहर आ सके और जब वो अंदर भी हैं तो वो अपने लिए कोई एम्प्लॉयमेंट का उनके लिए कोई सोर्स जनरेट करना, ताकि वो बेटर लिविंग उनकी हो सके। क्योंकि जो विंकी सिंह हैं जो कि हमारी नेशनल प्रेसिडेंट है, उनकी मोटिवेशन और उनकी देख रेख में हमने ये पंजाब की जो जेल्स में इसका प्रोजेक्ट जो है शुरू करें। जैसे कि हमने बताया कि तिहाड़ जेल में एक फैशन स्टूडियो खोला गया है जहां पर जो कि जेल की इनमेट्स हैं वो औरतें हैं वो ऑलरेडी सिखलाई सीख रही हैं, सिलाई का, कढ़ाई का, और वहाँ पे कपड़े तैयार कर रही हैं, ड्रेसेस तैयार कर रही हैं। और उनके जो तैयार किए गए जो कपड़े हैं, जो तैयार की ड्रेसेस हैं, वो आज जो आने वाली बॉलीवुड मूवी है मार्कशीट, उसमें भी जो बॉलीवुड के एक्टर है उनके जेल के इनमेट्स के द्वारा तैयार किए गए वो कपड़े जो हैं वो पहनेंगे। ये टोटल सभी स्टेट्स में ही जो है विकी लॉन्च हो चुका है और स्लोली एंड स्टेडली ये जो है कि अलग अलग प्रोग्राम है, जैसे हम जेल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, कोई एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहा है, कोई डिजिटल ट्रेनिंग कर रहा है, कोई अलग अलग सेक्टर्स जो हैं वो विमेन को दिए गए हैं, ताकि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट और ऑलराउंड पर्सनैलिटी जो है विमेन की वो ग्रूम हो सके। कुछ समाज से थोड़ी इस तरह दी लेडीज़ होंगे हैं जिन्हें चाहे डिवेलपमेंट इस हिसाब न हुई होंगी है कि वह अपब्रिंगिंग इस हिसाब न हुई होंगी है कि थोड़ा क्राइम वाले रस्ते चले जाते हैं, कई बार मजबूरी न हों या किसी टाइम पर उन्होंने अपब्रिंगिंग इस तरह हुई होंगी है, तो उन्होंने रिफॉर्मिंग वास्ते विकी ये काम करेगा और उन्होंने स्किल्स डिवेलप करेगा। खाली दिमाग शैतान का घर हों, तो जब उन्हें कोल करन लई कुछ नहीं होएगा तो उन्होंने माइंड इस तरह ही क्राइम वाल चलेगा। और विकी दे थ्रू असी उन्होंने जिहड़े स्किल्स है आइदर वो स्टिचिंग नू लैके है, टेलरिंग नू लैके है, ब्यूटिशियन नू लैके है, या होर भी योगा इंस्ट्रक्टर्स है साढ़े कोल, अकॉर्डिंग जिहदे विच जिहड़ा जिहड़ा स्किल होएगा असी उन्हें हाईलाइट करांगे और उन्होंने अगे अपनी अर्निंग वास्ते प्रेरित करांगे कि वो इन्हां नू स्किल्स नू हाईलाइट करके अगे दी अगे अपनी लाइफ नू सैटल कर सकन। जो पंजाब में ये बेसिकली जेल रिफॉर्म काउंसिल है, इसमें जो जेल में हमारी महिलाएं हैं जो कि किसी भी वजह से, किसी क्राइम की वजह से या वही कि कोई गलत अपब्रिंगिंग की वजह से उन्होंने कोई क्राइम किया, वो अब जेल में है, तो हम उनको उनकी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे वर्क करना चाहते हैं, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को उनको गाइड करना चाहते हैं। और जो भी उनके अंदर स्किल्स हैं कोई भी किसी भी तरह की, क्योंकि सिलाई हर महिला को आती होती है, सिलाई आती होती है, कुकिंग आती है, अपना पार्लर का काम हम उन्हें सिखा सकते हैं, ताकि जब वो जेल से बाहर निकले वो इंडिपेंडेंट हो, उनको फिर से क्राइम ना करना पड़े।
हमारा मेन हमारा इस फॉर्म का यही मकसद है कि हम इन लेडीज़ को हम लोग अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दें, अगर जो उनके अंदर स्किल्स होंगी तो, और हम एजुकेट करें, सबसे मेन चीज़ होती है एजुकेशन, हम उन्हें एजुकेट करें कि जो उन्होंने पिछले टाइम में काम किया जिसकी वजह से वो आज जेल में है वो रिपीट ना करें, उसे करने से उनकी सारी फैमिली उनकी ख़राब हो जाती है, कि सब लोग उनके बच्चों को भी कहेंगे कि क्रिमिनल का बच्चा है, फैमिली वाले घर से निकाल देते हैं, ताकि उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी फैमिली लाइफ दोनों को हम इम्प्रूवमेंट दे सकें। जो वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लगाती है, उनमें से एक प्रोजेक्ट है जेल रिफॉर्म प्रोजेक्ट, जिसके लिए पंजाब में से हमारी टीम को, हमें भवदीप कोहली मैम को प्रेजिडेंट बनाया गया है और मुझे वाइस प्रेजिडेंट बनाया गया है, और हमारी जेल रिफॉर्म सोसाइटी ने 20 मेंबर्स की एक टीम बनाई है जिसके अंदर हमने बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट एरिया से सारे टीम मेंबर्स उठाए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, इसके अंदर सैलून ऑनर हैं, बुटीक ऑनर्स हैं, योगा कैंप ऑनर्स हैं, मतलब हमने हर एक सेक्टर से कोशिश की है हम मेंबर्स को उठाएं, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है, क्योंकि इस टीम की ही हेल्प से हम आगे वुमेंस के अंदर कुछ रिफॉर्म, जो वुमेंस जेल के अंदर हैं किसी ना किसी कारण की वजह से, उनका कुछ रिफॉर्म कर सकें, मतलब किसी ना किसी वजह से वो जेल में पहुंची हैं, अब हम सोसाइटी को कुछ पे बैक करना चाहते हैं, ताकि हम जो वुमेंस अंदर इस वक्त किसी भी वजह से परेशान हैं या जो वो सफ़र कर रही हैं, हम चाहते हैं कि उनको उनकी सफरिंग से बाहर निकाला जाए, उनको एक बेटर फ्यूचर दिया जाए।